FTA की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मैंने इसको पढ़ा पूरे सर इसको कॉन्सेप्ट को कि दुनिया में जहां भी ये WTO के बाद जब WTO की रिजीम आई और स्पेशली आफ्टर 2000 जब हमने एक ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में लेकर आए तिजारत को बढ़ाने की बात की तो उस वक्त में सर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आया। इसमें कोई शक की बात नहीं कि सर जो दूसरे ममालिक से चीजें इंपोर्ट की जाती हैं उनकी इंपोर्ट ड्यूटी को भी एक स्लैब के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप कम किया गया। लेकिन सर जहां तक इसकी बात है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ये एक मकसद के तहत एग्रीमेंट रखा गया था और जो एग्रीमेंट हमारे मुख्तलिफ ममालिक के साथ हुए अक्सर और बेशतर हमारे जो एग्रीमेंट्स हुए हैं फ्री ट्रेड के उसमें जो फायदा पाकिस्तान को हासिल होना चाहिए था वो हम नहीं कर सके। और मैं ये कहूंगा कि एक तो जो एग्रीमेंट करने के वक्त पर जिन चीजों को सामने रखना चाहिए था उन चीजों को उस तरह से सामने नहीं रखा गया और साथ ही साथ जो आफ्टर उसके चेकिंग और पोस्ट एग्रीमेंट के साथ साथ जो चीजों को हमने देखना था वो उन पर भी किसी किस्म का कोई गौर नहीं किया गया और उसका सर इम्पैक्ट ये आया कि जो फायदे दूसरे ममालिक सामने वाला मुल्क लेना चाहता था उनके एंटरप्रेन्योर उनके इंडस्ट्रियलिस्ट उनके इंपोर्टर्स जो हैं उन्होंने तो हासिल किए लेकिन हमारे इंपोर्टर्स जो थे वो शायद उस तरह से उसका फायदा नहीं ले सके। अब सर जब हम चाइना की बात करते हैं तो आज जिस तरह से हम चाइना को स्पेस दे रहे हैं चाइना के इंडस्ट्रियलिस्ट यहां आ रहे हैं कोई एतराज नहीं है कि अगर इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए लेकिन सर जो फिनिश प्रोडक्ट हैं जब वो आने लग जाएंगी तो हमारी इंडस्ट्री कतई तौर पर पहले ही इतना ज्यादा नुकसान में है प्रॉब्लम में है जिस तरह के हम फैसलाबाद की इंडस्ट्री को देखें गुजरांवाला की इंडस्ट्री को देखें वजीराबाद की इंडस्ट्री को देखें और खास तौर पर जब हम कराची की इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट आज शायद 20 साल के पहले दौर से भी पीछे जा चुके हैं और उसकी वजह यही है कि जो एक खास किस्म का प्रोटेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से पूरी दुनिया में इंडस्ट्री को दिया जाता है इन 2-3 दहाइयों में हमारी इंडस्ट्री को नहीं दिया गया। और इस एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं सर चाइना के साथ और जब हम FTA की बात करते हैं और इसमें जितनी प्रोडक्ट्स को लेकर आने की बात करते हैं तो मुझे ये नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में हमारे वैसे ही सर हर दुकान के ऊपर चाइना का प्रोडक्ट मिल रहा है तो फिर तो जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री है वो भी हमारी काम नहीं कर सकेगी। हमें सर जो देखने की जरूरत है वो यही है कि इस एग्रीमेंट को खास तौर पर जो FTA का एग्रीमेंट है ना सिर्फ चाइना बल्कि और जगहों पे भी और इसको एक दफा फिर हम रिवाइव करें इसको हम फिर दोबारा देखें और उसमें सर हमें खास जो हमारे इंपोर्टर्स हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ट्रेडर्स हैं उनको ऑनबोर्ड करना जरूरी है ताकि उनके मसाइल वो भी जब भी कोई एग्रीमेंट किया जाए उसमें सामने रखें और जब हम इसका रिवीजन करें इसको दोबारा क्योंकि सर बहुत से एग्रीमेंट हमारे हैं जो रिन्यूअल के टाइम के लिए दोबारा जाते हैं जब ये रिन्यूअल पर जाएं तो उन लोगों को ऑनबोर्ड करके उनकी तमाम सिफारिशात को सामने लेकर फिर शायद हम सर अपनी इंडस्ट्री को एक बार फिर दोबारा उस जगह पर लेकर जा सकें जैसा कि आज से 2 दहाइयों पहले 3 दहाइयों पहले हमारी इंडस्ट्री हुआ करती थी। बहुत शुक्रिया सर।